नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिंस। बायोकेमिस्ट्री की तो वैसे बहुत ही अलग अलग फील्ड में अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, मेडिसिन की फील्ड में। तो मेडिसिन की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला इम्पोर्टेंस है इन फिजियोलॉजी में। तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल चेंजेस एंड रिलेटेड फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन इन द बॉडी। बायोकेमिस्ट्री हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल चेंजेस, जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं और रिलेटेड फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशंस हो रही हैं। नेक्स्ट है इन पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज इज स्टडीज थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस। किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें क्या किसकी हेल्प लेनी होती है? उसमें बायोकेमिकल चेंजेस की, ठीक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन द प्रेजेंट सिनेरियो मेनी पीपल रिले ऑन टेकिंग मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर बेटर हेल्थ। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है या आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत से लोग हैं, या मोस्टली एक तरीके से हम कह दें तो अबव हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये बिलीव करती है कि जो है उन्हें अपने बेटर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए। नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ विटामिन्स इन बॉडी आर डिस्क्राइब्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। जो विटामिन्स हैं उनकी हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसको डिस्क्राइब किया गया है बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। नेक्स्ट हार्मोनल डेफिशिएंसी, देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस इन स्पेशली इन वोमेन एंड चाइल्ड। वोमेन्स और चिल्ड्रंस में, स्पेशली वोमेन्स एंड चिल्ड्रंस में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। द फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस इज स्टोर्ड इन द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम और क्या पढ़ते हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं उनका फॉर्मेशन और रोल हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को कैसे इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब है कि स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। तो द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेल स्ट्रक्चर की स्टडी में और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी में बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बायोकेमिस्ट्री का और स्कोप है लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में और उसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट स्टडी ऑफ एंजाइम्स विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। बायोकेमिस्ट्री का और स्कोप है एंजाइम्स के स्टडी में, विटामिन्स के स्टडी में, और उनके डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड देयर डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। बायोकेमिस्ट्री का और अदर स्कोप जो है वो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स लिपिड्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के केमिस्ट्री में और उनके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन में। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप और है न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं।
द मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, CnHO. क्या है CnHO? जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? CnHO, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है. फर्स्ट वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स और सेकेंड वन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर लिविंग, दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स विद हाई मोलिकुलर वेट. ये क्या होते हैं? ये बहुत ही लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं और इनका मोलिकुलर वेट भी हाई होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स. सेकेंड वन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स. दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स विद लो मोलिकुलर वेट. ये क्या होते हैं? सिंपल और स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं और इनका मोलिकुलर वेट भी लो होता है. दे जनरली एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. ये जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज़ होते हैं. जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स या ईंटों की ज़रूरत होती है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? वो एक बिल्डिंग है. और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? वो छोटे छोटे ब्रिक्स हैं या फिर वो छोटे छोटे ईंट हैं जिनकी हेल्प से हम एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स की वजह से ही हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोमर्स और सब यूनिट्स. इनको हम और क्या कहते हैं? मोनोमर्स और सब यूनिट्स. सो थैंक यू.